मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा, और मैं जिस स्कूल में पढ़ो ना, सादे पब्लिक स्कूल, उसका मोटो है डू द राइट फियर कॉम। वजीर आला उस्मान बुज़दार दरशर, आपका गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने का इल्जाम, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहिल सदीकी नैब में पेश, मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम का दिफा करूंगा। आमदन से जायद असासाजात का केस, पीटीआई के एमएलए मलिक करामत खोकर को नैब ने आज तलब कर लिया। मलिक करामत खोकर को तमाम असासों पर रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत। मरियम नवाज की नैब पेशी पर कारकुनों और पुलिस में तसादुम का मामला, गिरफ्तार मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत, पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। मरियम नवाज पर पुलिस की मिलीभगत से हमला किया गया, नून लीग की रुकन असेंबली सुम्बुल मालिक ने तहरीक अल्तवा कार्ड जमा करा दी, मरियम नवाज को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश काबिले मसम्मत करा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कैबिनेट कमेटी का 34वां इजलास आज होगा, इजलास में 23 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा, सूबाई वज़रा मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सूबाई वज़रा मियां महमूद रशीद, तैमूर अहमद खान, राजा यासिर हमायूं की शिरकत, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए सरकारी जमीन देने की पॉलिसीज में नरमी की तशवीस पर गौर। सूबाई वजीर नियासम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास, ऑनलाइन कोर्सेज, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। की शिद्दत में कमी, पंजाब में वायरस से मुतासर 129 नए केसेस सामने आ गए, मरीजों की मजमू तादाद 94,715, शहर में मजीद 46 मरीज सामने आ गए। मुशीर वजीर आला पंजाब आसिफ महमूद का मुख्तलिफ पार्क्स का दौरा, कोरोना SOPs का जायजा लिया, चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी, DG PHA जवाद कुरैशी भी हमरा मौजूद। का जश्न एक रोज की दूरी पर, हर सू सब सिलाली परचमों की बहार आ गई, गलियों घरों और इमारतों पर सब सिलाली परचम लहराने लगे, बच्चों का जोश और खरोश भी अरूज पर। किसी को हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग की इजाजत नहीं होगी, पुलिस ने जश्न आजादी के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया, शहर के 124 मुकामात पर नाके लगाने का फैसला। आजादी के दौरान फनकारी दिखाने वाले का बैंड बजेगा, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने वन व्हीलर्स के खिलाफ कमर कस ली, केनाल, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, इलामा इकबाल डिफेंस फेज 5 और फेज 8 पर इजाफी मोटरसाइकिल दस्ते तैनात। एयरफोर्स भी आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार, यौम आजादी के लिए तैयार मिली नगमे का टीजर जारी कर दिया, तर्जुमान पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक मिली नगमा 14 अगस्त को रिलीज किया जाएगा।
घर को सजा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, आप आजादी की खुशी कैसे मना रहे हैं? मिली नगमा गुनगुनाएं, 30 सेकंड की वीडियो और तस्वीर बनाएं, हमें भिजवाएं, हम दिखाएंगे सब। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का फिरोजवाला में बुजुर्ग पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस, आरपी और शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब, जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का हुक्म। पंजाब पुलिस एहलकार भर्ती करना भूल गई, एडिशनल आईजी से कांस्टेबल रैंक की 21,700 से जायद सीट खाली। मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असेंबली राबिया फारूकी ने तहरीक इल्तवा कार्ड जमा करा दी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस शहबाज शरीफ समेत 13 मुलजिमान के खिलाफ केस की सवाल कुछ देर बाद होगी। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा है। बैंकिंग कोर्ट में नवाज शरीफ के कजन्स की मलकियत कश्मीर शुगर मिल के खिलाफ केस की समाअत, अदालत ने नवाज शरीफ के कजन्स को 1 अक्टूबर को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। रवा माह 3 सेशन जजेस मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड होंगे। जज सारिफ अदालत रावलपिंडी अब्दुल हफीज आज, जबकि सेशन जज अब्दुल कयूम 17 अगस्त को अपने ओहदे से रिटायर्ड होंगे। भट्टा मालिक के जुल्म के खिलाफ 7 भट्टा मजदूर हाई कोर्ट पहुंच गए, अदालती बैलेट ने भट्टा मजदूरों को बाजियाब करवा कर पेश किया, जस्टिस शहराम सरवर समाप्त करेंगे। कोरोना वायरस के वबा के दौरान कितने मुकदमात निपटाए गए, कितने ज़ेरे अल्तवा हैं? हाईकोर्ट ने कौमी जुडिशल पॉलिसी सास कमेटी के अहकाम पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली, सूबे भर के सेशन जजिस को मुरासला अरसाल। यूनियन का दबाव काम कर गया, मुल्क की तारीख में पहली बार स्टेशन मैनेजर तैनात होने वाली खातून को चंद घंटे बाद ही हटा दिया गया। सैयदा मर्जिया जहरा एक रोज के लिए भी अपना चार्ज मुकम्मल ना कर सकी। क्योंकि 8 सेशन जीते, 3 सेशन आ रहे हैं इंडियन, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी तरफ से गुड लक पाकिस्तान टीम को साउथहैम्पटन के लिए। थोड़ा वेदर खराब मिल रहा है, लाइट्स ऑन होगी, जितने भी बैट्समैन हैं उनसे रिक्वेस्ट है ज्यादा फोकस होकर खेलें। टीम को पहले टेस्ट में शिकस्त को भुलाकर मैदान में उतरना होगा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की कौमी टीम को मशवरे। फातिमा बासित का कौमी टीम की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। आप जैसा कोई अब कहां से आएगा, पॉप गुलकारी की मालिका नासिया हसन की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। नासिया हसन के गीतों की मकबूलियत आज भी कायम है।